हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ ऋषि दत्ता एंड आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की बात, जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जी टीवी के ब्लॉकबस्टर सीरियल कुंडली भाग्य के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कुंडली भाग्य की जो ओपनिंग टीआरपी, हाईएस्ट टीआरपी और जो लोएस्ट टीआरपी, सभी चीज़ों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कुंडली भाग्य जो शो है वो जी टीवी पर प्रसारित हो रहे हैं और इसके अभी तक 1000 से ज़्यादा एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं। और इस शो में हमको देखने को मिल रहा है धीरज धूपर और श्रद्धा आर्या, जो इस शो में करण और पिता का किरदार निभा रहे हैं। और ऑडियंस को भी प्रीता और जो करण की केमिस्ट्री है वो बहुत ही पसंद आता है, इसलिए तो ये शो जी टीवी की जो टॉप 5 के शोज में हमेशा ही नंबर 1 पर रहता है। और हम बात करें जो बार्क की टीआरपी, हमेशा ही टॉप 10 के पोजीशन पर रहता ही है। इस शो की जो टीआरपी है, तो पहले तो इस शो का जो टीआरपी हाईएस्ट रहता था और जो सभी शोज में, टेलीविजन के शोज में हमेशा ही नंबर 1 के पोजीशन पर रहता था। और ये सीरियल एक स्पिन ऑफ सीरियल है कुमकुम भाग्य, जिसमें हमको देखने को मिला था श्रीति झा और सबीर आलूबालिया। अभी वो दोनों सीरियल में नज़र नहीं आ रहे हैं और उनके बच्चे ही सीरियल में अब नज़र आ रहे हैं, जो जेनरेशन लिप आ गया है शो में। और हम बात करें जो कुमकुम भाग्य भी एक ब्लॉकबस्टर सीरियल है, उनके कि अभी तक 2000 से भी ज़्यादा एपिसोड टेलीविज़न पर प्रसारित हो चुके हैं। और अभी हम बात करेंगे जो कुंडली भाग्य सीरियल की, उसके जो ओपनिंग टीआरपी थी 2.3 और जो लोएस्ट टीआरपी है वो है 1.8 और जो हाईएस्ट टीआरपी है वो है 3.9। तो हम देखें तो ये सीरियल एक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट सीरियल है जी टीवी पर, और इसके स्टार्स की जो एक्टिंग है ऑडियंस को बहुत ही पसंद आता है। और सीरियल में नई नई ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते हैं और ये सीरियल एकता कपूर जी का बनाया हुआ सीरियल है, ऑडियंस को बहुत ही मनोरंजन कर रहा है बहुत सालों से। तो अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे नए नए अपडेट्स के लिए, और देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।